15 जून 2024 स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो के अंदर। अभी हम लोग ले रहे हैं लाइव स्नोफॉल का मज़ा। अभी जून के अंदर भी आधा जून लगभग जा चुका है और हम लोग अभी -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर अभी खड़े हैं। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है और आप लोगों के मन के अंदर आ रहा होगा कौन सी ये जगह है। अभी बहुत दिन पहले कुंजुम पास में हमने लाइव स्नो दिखाई थी आपको, रोहतांग पास में लाइव स्नो दिखाई और उसके अलावा बारालाचा पास है जो कि स्नो का ऑप्शन है और एक और जगह है जहां पे हम लोग अभी है जो कि रोहतांग पास और बारालाचा पास से भी ज़्यादा हाइट पे है। अभी लोग हम लोग हैं शिनकुला टॉप के अंदर और सर्दी इतनी ज़्यादा है समझ नहीं आ रहा क्या हम बोले जा रहे हैं। तो अभी शिनकुला टॉप मनाली से कितना दूर है, कैसे आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, तो बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और खूब मज़ा, खूब सारा एडवेंचर आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी 3:42 हुए हैं, 8:42 और 14 जून आज की डेट है और हम लोग अभी बारालाचा पास में हैं। बारालाचा पास के अंदर देख सकते हैं आप काफी अच्छी स्नो था और कल का वीडियो तो पूरा का पूरा हमारा बारालाचा पास के ऊपर ही था। तो अभी यहाँ के जो स्नो के मनाली के तीन ऑप्शन है, रोहतांग पास, बारालाचा पास और शिनकुला टॉप। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं शिनकुला टॉप की ओर। तो वहां के रोड कैसे हैं और वहां पे कितनी स्नो है ये आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। तो कम्प्लीट वीडियो देखना ये और खूब मजा इस वीडियो के अंदर आपको आएगा। और अभी बहुत अच्छी बर्फ को अलविदा कह के चले हैं हम और यहाँ पे रोड के आसपास ही देख सकते हैं काफी सारे टूरिस्ट पहुंचे हैं। हर एज ग्रुप के यहाँ पे लोग पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मजे से यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं रिटर्न में राजमा चावल खाने के लिए और आमिर भाई के लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया हमने, इनकी पेट में दिक्कत हो गई है चढ़ाई चढ़ के, तो थोड़ा सा हाजमा कमजोर है आमिर भाई का, अक्सर जो है परेशान होते रहते। और यहाँ पे आप लोग इमरजेंसी में रुक भी सकते हैं, ये देखिए बहुत सारे कंबल यहाँ पे रखे हैं। दीदी कितना लेते हैं एक बंदा रात में रुकता है उसका? तो 200 रुपये लेते हैं यहाँ पे अगर आपने नाइट स्टे करना है, 200 पर पर्सन। और यहाँ पे आपको दाल चावल, राजमा चावल वगैरह, चाय कॉफी मिल जाती है। ये जगह जिंगजिंग बार के पास है और ये है दारचा बैरियर के पास। कुछ पत्थर है बहुत ही अलग अलग कलर के और ये नदी देखिए अलग अलग दिशा से बहती हुई, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे आपस में मिलती है। और ये नीचे दारचा गांव है और आगे सुमडो गांव है, तो ये दो गांव है यहाँ पे। और हवा कितनी ठंडी यहाँ पे अभी चल रही है, बहुत ठंडी हवा चली है और काफ़ी अच्छे अच्छे माउंटेन के व्यू आते हैं यहाँ पे, ये देखिए काफी सुंदर ये गांव है और बहुत मजा आता है यहाँ पे। तो दोस्तों बारालाचा पास से हो चुके थे हम थोड़ा सा लेट, तो फिर आगे जाने का शिनकुला का प्लान हमने कैंसिल किया क्योंकि अंधेरे में आपको इतनी अच्छी वीडियोस नहीं मिल पाती। तो आज हमने स्टे किया है यहाँ पे दारचा बैरियर के पास। ये देखिए दारचा बैरियर के नीचे यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये नदी बहती है और यहाँ पे 2-3 नदियां मिलती है। ये जो आपको नदी दिख रही है ये अलग नदी है और सामने से फिर वो आती है भागा नदी, तो यहाँ पे 2-3 नदियाँ एक साथ मिलती है और पूरी की पूरी वैली है इतनी खूबसूरत है कहने ही क्या। ये देखिए और इतनी अच्छी लोकेशन पे हम लोग पहुँचे हैं। बारालाचा वाले वीडियो में मैंने बोला था कि आपको बहुत ज़बरदस्त व्यू आते हैं वो दिखाऊँगा, तो ये है वो व्यू, ये देखिए। और यहाँ पर ये आमिर भाई और यहाँ पे बहुत अच्छी हमें लोकेशन समझ आई है कैंपिंग के लिए। तो कैंपिंग का हमारा वैसे रोहतांग का मूड था बट वो हम कर नहीं पाए थे खराब मौसम की वजह से, बट यहाँ पे हमने पहले ही ऑलरेडी टेंट जो है अपना लगा दिया है और टेंट के अंदर सबसे भारी बंदा जो हमारा था उसको बैठा दिया क्योंकि हवा चल रही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज। और ये हमारी गाड़ी है और हम लोग आए हैं अभी दारचा बैरियर के पास से। तो जो हमारा सबसे भारी बंदा जिसकी मैं बात कर रहा था उसको दिखाता हूँ आपको एक बार, उसको हमने ऑलरेडी काम पे लगा दिया है थोड़ा सा। हाँ एक मिनट, तो ये हम बात कर रहे थे टेंट हवा में उड़े ना
उसके लिए सबसे भारी बंदे को हमने यहाँ पे काम पे लगा दिया है। बाहर है हवा बहुत ज्यादा तेज, तो इसके लिए हम लोग अभी टेंट के अंदर बैठ गए हैं। कुकिंग भी आज टेंट के अंदर होने वाली है। तो अभी इतनी ज्यादा तेज हवा चली है और धूल है यहाँ पे, क्योंकि जो हमने कैंप लगाया था वो पहले तो देख लिया कि भी बहुत अच्छी रेत है, लेकिन अभी ये देखिए अभी पूरी सीट के ऊपर धूल हो चुकी है और टेंट की हालत तो ऐसी हो चुकी है अभी पूरा, चाहे वो हाथ है चाहे सिर है गाड़ी का, जो इधर भी इतनी ज्यादा धूल है। तो हमारे जो बर्तन थे वो भी सारे गंदे हो चुके, तो अभी डिस्पोजल वाले से काम चला रहे हैं। अभी डिनर करते हैं हम अभी। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और बाहर वो तेज हवा चल रही थी, इस वजह से हमने गाड़ी में ही डिनर तैयार किया और वहीं कर लिया हम लोगों ने। और आप जैसा देख रहे हैं कितना हिल रहा है ये कैंप। भैया हंस रहे हैं क्योंकि इस कैंप के अंदर रेत भी घुस चुका है। तो ये अलग एक्सपीरियंस है। तो हम अब चलते हैं सोने, अब दिखाते हैं आपको सुबह का नजारा और क्या हालत रहेगा इस कैंप का। तो गुड नाइट दोस्तों। तो अभी सुबह के 5:30 हुए हैं और ये देखिए बहुत गजब यहाँ का मौसम है और खूब ठंडी हवा यहाँ पे चल रही है। और रात भर हमारी कैंप में बहुत मस्त गुजरी है। तो ये है वो टेंट जहाँ पे हम लोग सोए थे और ये थारा भाई आमिर। तो ये है और दूसरा बिस्तरा था हमारा यहाँ पे। एक बंदे को गाड़ी के अंदर हमने सुलाया। तो डर तो लगा मैं था रात को, पक्की बात। 6:21 पे हम लोग अभी शिनकुला टॉप के लिए जा रहे हैं। दारचा बैरियर हमने क्रॉस कर लिया है, तो अभी देखते हैं हमें शिनकुला टॉप का कितना रास्ता, कितना टाइम लगेगा अभी रास्ते में और कितनी बर्फ वहां पे मिलती है। और रोड काफी खूबसूरत है यहाँ के और ये रास्ता करगिल की ओर जाता है, कारगिल। तो अभी देखते हैं, सर्दी के मारे है बुरा हाल रात को, अभी सुबह से मुंह नहीं धोया है। तो ये देख सकते हैं मेरे साथ वाले बंदों की हालत आप, और मैं खुद की शक्ल नहीं दिखाऊंगा, देखी नहीं जा रही, ऐसा बुरा हाल हुआ पड़ा है। सुबह उठ के ही भागे हैं। तो 16,500 फीट के आसपास हाइट है शिनकुला टॉप की। रोहतांग पास की है 13,058 और बारलाचा पास की है 16,050 समथिंग। तो ये शिनकुला टॉप सबसे ज्यादा हाइट पे है। तो और देखिए कितना खूबसूरत रोड, कितना खूबसूरत व्यू। और कोशिश करेंगे हम लोग 1.5-2 घंटे में यहाँ से पहुंच जाए अभी शिनकुला टॉप। और ये छीका आरिक करके कोई गांव का नाम है और ये भी काफी खूबसूरत यहाँ पे ब्रिज है। कलरफुल फ्लैग्स बहुत सारे लगा रखे हैं और बहुत मस्त रोड है, छोटे छोटे गांव है बिल्कुल यहाँ पे। और ये देखिए कितने खूबसूरत यहाँ के रोड्स हैं। और साइड में भी एक और रोड अभी बनाया जा रहा है, तो हो सकता है 4 लेन का काम अभी चला हो। और इस रोड में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजेदार रोड है। और हर तरह से अलग अलग माउंटेन यहाँ से हर साइड से नजर आती है, कोई ग्रीन कलर की है कोई ग्रे कलर की है। और सामने कुछ माउंटेन ऐसी है जो बिल्कुल अभी भी बर्फ से ढकी हुई है। और इतने सारे ये पत्थर समझ नहीं आता कौन इकट्ठा करके छोड़ के जाता इनको। ये देखिए खूब प्यारे रोड है यहाँ पे और बहुत बड़े बड़े अभी ब्रिजेस यहाँ पे बनाए जा रहे। ये देखिए सामने, इससे पहले भी एक आया था, तो जितने भी छोटे छोटे ब्रिज होते थे उन सबको अभी रिप्लेस किया जा रहा है इन बड़े ब्रिज से। तो अभी आने वाला फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है इन रोड्स का, इन जगह का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है, ये बिल्कुल बादलों के बीच में है हम लोग। और यहाँ पे अभी लाइट लाइट स्नोफॉल शुरू हो चुका है, बिल्कुल हल्का अभी स्नोफॉल है। और ये आप लोग कैमरे में इतना अच्छे से नहीं देख पाएंगे। और बिल्कुल माउंटेन की पीक्स पे हम लोग हैं, ये देखिए बिल्कुल बादलों के बीच में। तो क्या ये नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत। और शिनकुला टॉप रह गया यहाँ से लगभग 5 या 6 किलोमीटर। तो ये देखिए अभी, और वो जो स्नो की मैं बात कर रहा था
ये देखिए बिल्कुल लाइट लाइट बीच बीच में स्नो आ रही है और वो साथ की साथ मेल्ट हो रही है अभी। तो हो सकता है अभी हम शिनकुला टॉप जाएंगे तो बहुत अच्छा हमें स्नोफॉल देखने को मिले। तो अभी ये देखिए बहुत मस्त स्नोफॉल यहाँ पे अभी चला हुआ है और कैमरे में इतना नहीं दिख रहा क्योंकि पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है वो सारा का सारा है वाइट। गाड़ी के ऊपर मैं दिखाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आएगा। और ये हमने पानी की बोतल निकाल ली है, मुंह सुबह से अब तक धोया नहीं है। तो ये देखिए अभी बिल्कुल मस्त सा ये स्नोफॉल हो रहा है। आमिर इधर आओ, यहाँ से दिखेगा भाई। हाँ यहाँ पे ये देखिए, और आमिर की जुल्फों में भी अभी बर्फ लगनी चालू हो गई है। तो ये हमने बोतल निकाल ली है मुंह धोने के लिए। भाई यहाँ नहीं लघु शंका के लिए जाना, यहाँ मत करो सुसु। और ये देखिए अभी नीचे काफी बर्फ यहाँ पे इन मोड़ों पे है, तो क्या नजारा है यहाँ पे। और अभी मुंह धोते हैं ठंडे पानी से। और आज बर्फ के अंदर भी नहा लिए यहाँ पे, कौवा स्नान हम लोग कर चुके हैं इस बर्फ के अंदर। और टेम्परेचर है अभी यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस, और कम से कम 5 मिनट से हम बर्फ में ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। और अभी आमिर भाई को मस्त प्रेशर लगा है, तो आमिर भाई को करते हैं फ्री यहाँ से। मैं कपड़े चेंज करता हूँ और उसके बाद आगे लेके चलेंगे बहुत अच्छी बर्फ के अंदर आपको। और यहाँ पे आमिर भाई मुकरेंगे बाद में इस वीडियो के लिए कि उनका पेट खराब नहीं हुआ था। तो मैं सबूत के तौर पे आपको लेके चलता हूँ। कहाँ छुपे बैठे आमिर भाई, से हेलो, दूर दूर से हेलो बोलो, हेलो बोलो, जाऊं हेलो बोल तो नहीं, तो मैं आगे आ रहा हूँ फिर। हाँ तो ये आमिर भाई हेलो करते हुए। तो जब भी ऐसी जगह पे आप फंसते हैं तो एक गड्ढा खोदिए और वहाँ पे अपने कीमती सामान को छुपा दीजिए। अगर ओपन छोड़ेंगे तो गंदगी फैलती है, तो सबसे अच्छा है गड्ढा खोद के उसको दबा दीजिए और ऊपर निशानी भी रखिए अगर कभी आते हैं। क्या बोल रहे हैं अमीर भाई, नहीं करो ये तो पक्का टलेगा भाई। तो सबसे पहले ये टाइम देखिए, 7:49, -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और अभी यहाँ पे लाइव स्नोफॉल चला था और अभी एकदम से धूप आ गई है। तो कई लोग कहते हैं फेक वीडियो है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे अभी 5 मिनट के बाद आएंगे, हो सकता है उनको बिल्कुल स्नोफॉल देखने को ना मिले। अभी ये स्नोफॉल बंद हो चुका है और हो सकता है 10-15 मिनट में फिर से ठंडी हवा चले और दोबारा से यहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो जाए। तो वेदर यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता पक्का। अभी तो हम लोग खुश हो रहे थे कि बहुत अच्छा स्नोफॉल दिखाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों को थोड़ी सी निराशा हो रही है। दुआ करते हैं थोड़ा सा और आगे जाए और मौसम फिर से गड़बड़ हो जाए। और बहुत तेज अभी धूप चालू हो चुकी है, देखो एकदम से तेज धूप। और ये अभी थोड़ा पीछे करके मैं दिखाऊं, ये अभी तो मिरर पे भी नजर नहीं आ रही, इतनी लाइट हो चुकी स्नोफॉल। और क्या नजारे हैं इस रोड के, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश बर्फ है यहाँ तो। बारलाचा पास साइड भी इतनी फ्रेश बर्फ नहीं मिली थी हमें, और ये बीच बीच में बारिश आ रही है। स्नोफॉल ही होता है यहाँ पे डायरेक्ट, पानी की बूंदे तो आती नहीं। और ये देखो रोड पे बिल्कुल बादल बनते हुए अभी चल रहे हैं, और अभी सामने की धूप है तो हो सकता है वीडियो इतना क्लियर ना हो। और नजारे है भाई यहाँ के तो, दीवाने हो गए हम इस जगह के तो। बिल्कुल ऐसे बादल रोड पे बनते हुए चल रहे हैं और ये सामने बिल्कुल सन। तो अभी मैं आगे आया हूँ मोबाइल लेकर वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी स्नो है और ये कितना प्यारा व्यू है। तो भैया गाड़ी लेकर आ रहे हैं, अब दिखाते हैं आपको नज़ारे। और यहाँ पे तो ड्राइविंग का मजा है, अभी भी धूप के अंदर भी आप देख सकते हैं लाइट लाइट अभी स्नोफॉल चला हुआ है और खूब मजा आ रहा है। रोड पे बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं है, सिंगल हम ही लोग चले हैं। तो चलते हैं अभी आगे,
शिनकुला टॉप की ओर चलते हैं आपको लेके। तो चलते हैं अब आगे की ओर। और बादलों के व्यू बहुत ही प्यारे हैं यहाँ से, ये देख सकते हैं आप, काफी फ्रेश यहाँ पे बर्फ है। लेकिन रोड जो है बारलाचा पास की तरफ जैसे क्लियर है बिल्कुल, ऐसे नहीं है, यहाँ पे गड्ढे काफी ज्यादा है, रोड कई जगह से जो है बैठा हुआ है यहाँ पे। लेकिन बादल बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। तो ये देखिए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विंटर वंडरलैंड के अंदर। बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा आपने ऐसे नज़ारे, और ये हम आपको आपके घर बैठे दिखा रहे हैं बिल्कुल रियल वाले, जिसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं है, कोई भी एनिमेशन नहीं है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट यहाँ से व्यू दिखाते हैं। और क्या नज़ारा है, हाय हाय हाय। आमिर भाई कैमरा पकड़ो आप, मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे इस बर्फ के दोनों हाथों में। तो ये देखिए कोई भी चीज़ें यहाँ पे फेक नहीं है। अरे रे रे रे। तो ये दो सींग मेरे को मिल चुके हैं, और अगर आमिर भाई अच्छी वीडियो नहीं बनाएंगे तो मैं यहाँ पे बैल बन के और ऐसे सींग मारूंगा, भागवत भाई नहीं मारता मैं। और ये देखिए अभी जिसको भी तलवारबाजी करनी यहाँ आ सकता है। और ये देखो एक दो तो बहुत ही बड़े हैं, तो हाथ भी नहीं जा रहा। अरे रे रे रे, टूट गया। क्या नजारे, बहुत खूबसूरत। पास आके दिखाओ भाई यहाँ से, कितने मस्त नजारे यहाँ के। तो जब बर्फ यहाँ से पिघलती पानी टपकता है तो ऐसे फिर ये अलग अलग शेप्स लेते रहते हैं। और बिल्कुल हार्ड है ये चीजें ना, ये देखो यहाँ पे बना लिया हमने एक्वामैन का वो ट्राइडेंट की शेप बन चुकी है। तो अभी चलते हैं हम लोग गाड़ी के पास। तो हमारे साथ एक बंदा है जिसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो उसको ये देते हम गाड़ी के अंदर ही। ये देखो भाई सर्दी कितनी लगती है, ये लो सींग लगा के यहाँ पे, और सींग मारने वाली गाय बन जाओ, ये लो बस। तो ट्रेवलिंग में ऐसे अगर आपके साथ पार्टनर हो उनको तो रास्ते में कहीं फेंक ही दो, वो ज्यादा अच्छा है, कोई फायदा नहीं ऐसे बंदे को साथ लाने का। इतने मस्त नेचर के बीच में भी अगर एंजॉय ना करे तो क्या फायदा है भाई। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शिनकुला टॉप के पास, और मनाली से ये पड़ता है टोटल 139 किलोमीटर। और यहाँ से देख सकते बहुत सुंदर लेक है जो कि पूरी तरीके से जमी हुई है, और यहीं से एक नदी शुरू होती है। तो नाम तो उसका मेरे का अभी कन्फर्म नहीं है, तो आप लोग गूगल कर सकते हैं। और यहाँ से वो नदी शुरू होके थोड़ा सा आगे जाके दारचा के अंदर मिल जाती है भागा नदी के अंदर। और ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्लैग्स है, और काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग हैं अभी यहाँ पे। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे कलरफुल फ्लैग्स बांध रखे हैं, और ये एरिया अभी लद्दाख के अंदर है शायद, यहाँ पे लिख रखा है वेलकम टू लद्दाख। तो यहाँ से मैं थोड़े से व्यू आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये है शिनकुला टॉप, और 16,580 फीट की ऊंचाई है इसकी। और सबसे गंदी चीज जो मेरे को ये लगती है भाई, YouTube द एक्सप्लोरर एक्सपेडिशन टू लद्दाख सिंपली जिमनी, ये नहीं पता भाई क्यों इधर इस जगह की ब्यूटी को खराब करने में लोग लगे हुए हैं।
मतलब इतने सुंदर सुंदर यहाँ पे बीआरओ काम करती, इतने सुंदर रोड बनाती है, इतने सुंदर यहाँ पे ये यह लगाती है, और ये अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए पता नहीं क्यों, इन्फ्लुएंसर का काम है लोगों को अच्छे से गाइड करना इस नेचर के प्रति, इस जगह के प्रति, यहाँ के क्लाइमेट के प्रति। और जब हम लोग खुद यहाँ पे ऐसा करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ें ना करें, जो कोई भी वीडियो हमारी देख रहे हैं या फिर आप किसी और इन्फ्लुएंसर की भी वीडियो देखते हैं, तो उनके भी अगर कहीं पे आपको ऐसा यूट्यूब का कोई लोगो मिलता है तो उनको आप लोग जो है कमेंट के अंदर सजेस्ट कीजिए कि ऐसी वो हरकतें ना करें। क्योंकि यहाँ पे आके अगर आपने फ़ोटो भी डाल दिया, उससे भी पता चल जाता है कि आप लोग इस जगह पे आ चुके हैं। अब अलग से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट ही होगी। और ये देखिए दूसरी साइड तो और ज़्यादा है, पूरा का पूरा इसको भर दिया है यहाँ पे बहुत सारे। तो कोशिश करते हैं हम लोग कुछ तो उतार के जाएंगे यहाँ पे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो चीज़ गलत है गलत है, उसका जो मर्जी आप सोचो, अच्छा लगे बुरा लगे। तो ये कुछ एक हम उतारेंगे और यहाँ से फिर वापसी हम लोग चलते हैं। और काफ़ी अच्छी बर्फ है अभी यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त बर्फ है। और कोई भी गाड़ी हमें यहाँ पे, केवल एक कैंपर था जो शायद लद्दाख से आया है वो मिला है, उसके अंदर भी कोई वो थे काम करने वाले लोग, बाकी टूरिस्ट की गाड़ी अब तक सिंगल भी नहीं मिली हमें यहाँ पे। तो अभी ये काफ़ी सारे बैनर हमने उतार दिए जो हम उतार पाए यहाँ से, और इसके फ्रंट में तो छोड़ो, बैक में भी काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट। ये देखिए अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पे केवल अपनी एडवर्टाइजमेंट करने आते हैं। और ये देखिए कितने सारे स्टिकर्स थे जो हमने उतारे हैं। तो भाई जिस किसी का भी स्टिकर उतरा है उसके लिए सॉरी, लेकिन ये सही नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे आके इन चीज़ों पे यहाँ पे इतना सारा गंद फैलाना। तो अब यहाँ से हम लोग रिटर्न चलते हैं, और यहाँ से व्यू बहुत प्यारे हैं, रिटर्न में भी आप देख सकते हैं खूब अच्छी स्नो है एक दो पॉइंट पे, और ऊपर क्लाउड्स भी बहुत प्यारे नजर आते हैं। और ये देखिए अलग ही लेवल की दुनिया है यहाँ पे, खूब सारे क्लाउड्स है और आसपास जितनी भी माउंटेन्स है सारी की सारी बर्फ से ढकी हुई है। रोड ऑलमोस्ट सही कंडीशंस में है, बस कुछ जगह से रोड बैठा हुआ है। ये देखिए अंडरग्राउंड गड्ढे पड़ चुके हैं यहाँ पे, धस चुका है यहाँ से रोड, और यहाँ तक शिनकुला टॉप तक तो बहुत अच्छा रोड है, इसके बाद आगे रोड बहुत खराब है। तो शिनकुला पास तक तो आप कोई भी गाड़ी लेके आए, यहाँ तक तो सिडान गाड़ी भी लेके आए, आप कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ेदार यहाँ के रोड है। ये देखिए दूर तक बर्फ ही बर्फ है, नीचे बिल्कुल सफ़ेद बर्फ, बीच में नीला आसमान और उसके बीच में फिर सफ़ेद बादल, तो बहुत ही अद्भुत यहाँ के नज़ारे हैं। और बर्फ देखो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, काफ़ी अच्छी बर्फ यहाँ पे है। तो ये देख सकते हैं रोड बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे शिनकुला टॉप पे। तो रोड कंडीशन तो ऐसी है कि कोई भी गाड़ी से आप आ सकते हैं, बट चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो जब हम लोग भी जिमनी लेके आए थे ऊपर, कई जगह पे तो फर्स्ट और सेकंड गियर में हमको ये ऊपर लानी पड़ी है। और अभी ऊपर कुछ ट्रक और बोलेरो कैंपर भी आ रहे हैं सामने से, तो वो भी आपको दिखाते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कैसी रोड कंडीशंस है, कितनी चढ़ाई होती है यहाँ पे। मतलब जब जिमनी के अंदर, जिमनी इतनी पावरफुल गाड़ी है, अभी पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें आपको जब फर्स्ट सेकंड गियर में चलना पड़ता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी गाड़ियों की क्या हालत रहेगी। तो अभी एक ट्रक सामने से आ रहा है, हमने गाड़ी को साइड में रोका है देखने के लिए। और अभी वीडियो स्टार्ट की तो ऐसे लग रहा था कि केवल बस अभी ये 10-15 सेकंड में पहुंच जाएगा, लेकिन अभी टाइम काफ़ी उसको लग रहा है, तो देखते हैं कितनी देर में ये आता है। और उसके मतलब एक ट्रक आ रहा है और एक उसके पीछे पीछे बोलेरो कैंपर आ रही है, और ये बोलेरो कैंपर तो उससे आगे निकल चुकी है। देखिए
और ये BRO की गाड़ी है, उसके आगे स्टिकर लगा हुआ है ऑन BRO ड्यूटी, और ये आ रहा है अभी ट्रक। ट्रक है कि क्या है ये देखते हैं अभी। साई मोटर्स टाटा कंपनी का है ये। तो ये देखो काफ़ी वजन भी काफ़ी है वैसे इसके अंदर, सरिये वगैरह रखे हैं। तो धीरे धीरे करके ये ऊपर की ओर चढ़ के आ रहा है, और अभी बिल्कुल क्लियर वेदर था और अब फिर से लाइट लाइट स्नोफॉल शुरू हो चुकी। तो मौसम मिनटों के हिसाब से कभी भी पलटी मार जाता है यहाँ पे। तो चलते अभी हम लोग यहाँ से रिटर्न। रोड लगभग सारा अच्छा है, बीच में केवल एक नाला हमें मिला है, पूरा दारचा से शिनकुला टॉप के बीच में एक छोटा सा ये नाला है। तो यहाँ पे हो सकता है जो सिडान गाड़ी वगैरह है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है उनको दिक्कत होए, बाकी तो पूरा रोड पे कोई भी दिक्कत नहीं है ये किसी भी जगह पे। तो केवल अगर इस पॉइंट से आपने गाड़ी निकाल ली तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 6:21 पे हम लोग चले थे दारचा बैरियर से शिनकुला टॉप की ओर, और अभी 10:01 पे हमारी वापसी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। यहाँ पे थोड़ा सा काम चला है अभी, और लगभग ये मान लो यहाँ से 2-3 किलोमीटर रहा है केवल दारचा बैरियर। तो हम लोग लगभग 3.5 घंटे के आसपास जाके यहाँ पे रिटर्न कर चुके हैं। तो इतना हमें टाइम लगा है, और अभी देखते हैं ये अभी रोड पे थोड़ा सा काम चला है, यहाँ पे पत्थरों को काटा जा रहा है, और जैसे ही ये रोड ओपन होगा तो फिर हम यहाँ से चलेंगे दारचा बैरियर की ओर। 10:15 हुए हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं दारचा बैरियर के पास, और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं मनाली के लिए। और अभी 1:15 लगभग हमने ब्रेकफास्ट में लगा दिए। यहाँ पे हम रिवर साइड थोड़ा सा रुके थे जहाँ पे हमने चाय और बटर टोस्ट खाए हैं, और अभी हम यहाँ से निकले हैं मनाली के लिए। अभी हुए हैं 11:30, तो देखते हैं अभी यहाँ से मनाली जाने में हमें कितना समय लगेगा। और अटल टनल पहुँच चुके हम, 1:07 अभी हुआ है, तो अभी यहाँ तक तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, रास्ते में ट्रैफिक भी नहीं था। तो अभी अटल टनल से मनाली तक देखते हैं कितना टाइम हमें लगेगा पहुंचने में। 1:07 पे हम लोग थे अटल टनल पे सिसु की साइड, और अभी 1:40 हुए हैं। लगभग 33 में हमने अटल टनल भी क्रॉस कर लिया है, और हम लोग पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और यहाँ पे काफी रश है अभी, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का, रोपवे का, ATV राइड का मजा ले रहे हैं। तो अभी हम लोग मनाली के आसपास पहुंच चुके हैं, और ये देखिए अभी 2:08 अभी हुए हैं, और यहाँ से ट्रैफिक लगना चालू हुआ है। तो अभी देखते हैं, मॉल रोड होगा यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर के आसपास, तो देखते हैं मॉल रोड तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगता है। तो अभी 2:19 हुए हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल रोड के पास, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। वशिष्ठ चौक के पास थोड़ा सा ट्रैफिक था, क्योंकि वहाँ पे वशिष्ठ चौक के लिए, वशिष्ठ मंदिर के लिए चौक से ऊपर को गाड़ियाँ मुड़ती है, तो थोड़ा ट्रैफिक वहाँ लगता है। बाकी यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं गाड़ियाँ स्मूथली चली हुई है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने होटल में, और वहाँ पे जाके करते हैं लंच। तो दोस्तों अभी हम लोग शिनकुला टॉप से अपने होटल में पहुँच गए हैं, और कैसी ये वीडियो लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मनाली का अगर आपका प्लान है और आपको होटल की या टैक्सी की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मनाली में हमारा एक होटल भी है, होटल हमटा व्यू, और एक होमस्टे भी है चंद्रा होमस्टे के नाम से। तो उनकी बुकिंग के लिए आप लोग मेरे पार्टनर हैं अजय गोयल जी, उनसे बात कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9887751433। तो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर कई बार लगता नहीं है क्योंकि बाहर होता हूँ कई बार, जैसे शिनकुला गए उधर के बार लाचा, तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते कई बार, इस वजह से कई बार नंबर नहीं लगता है। तो खूब सारा प्यार वीडियो को दीजिएगा, और हम लोग फिर मिलते हैं आपसे 1-2 दिन में कोई नई अपडेट के साथ।